राजधानी को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद लगातार जारी है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कई योजनाओं को धरातल पर उतारने की तैयारियां जारी हैं। और इसी कड़ी में पटना स्मार्ट सिटी बनने के लिए यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों पर नकेल कसने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाया गया है। पूरी जानकारी देते हुए यातायात एडीजी सुधांशु कुमार ने बताया कि पटना में हत्या से 3 गुना ज्यादा रोड रेज और एक्सीडेंट के मामले होते हैं, जिसको कम करने के लिए पटना में सभी जगहों पर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कैमरे लगाए गए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग आईसीसी के कंट्रोल रूम में बैठे कर्मी करेंगे। एक नंबर है, उस माध्यम से या ईमेल के माध्यम से अपनी ग्रीवांस दर्ज करा सकते हैं, जिसका त्वरित गति से समाधान करने की दिशा में काम किया जाएगा। जो अखबार में न्यूज़ आ रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि कतिपय भ्रांतियाँ हैं। जैसे एक आध आइटम कुछ इस तरह का आया कि साहब हमारा फोर व्हीलर जो है उसमें हेलमेट का चालान कट गया, तो मैं आपको दोबारा आईसीसी का जो अभी डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है उसको ले जाना चाहता हूँ। कैसे आपने देखा कि उसमें फोटोग्राफिक एविडेंस है और उस एविडेंस के साथ उनको मैसेज भेजा जा रहा है। संभव है एसएमएस पर वो फोटोग्राफिक एविडेंस नहीं आए, लेकिन जब भी वो अपने साइट पर जाएंगे तो उनको वो फोटोग्राफिक एविडेंस मिलेगा और इस तरह से उसका समाधान वो कर सकते हैं। कई एक बार ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि साहब हमारी गाड़ी जो है वो गैराज में बंद है और उसका चालान कट गया है। वो ऐसा तभी हो सकता है, ऐसा एक आध बार हुआ है और उसकी वजह ये है कि चालान आज की बजाय कल कटा है। इवेंट आज का है लेकिन चालान कल कटा है, तो यदि आप ये समझ रहे हैं कि आज का इवेंट था तो उसमें गलतफहमी वहाँ पे क्रिएट हो रही, इसकी वजह से इस तरह की समस्या आ रही है। कुछ और तरह की समस्याएं थी जिनका हमने NIC, ICCC, अपना यातायात विंग, इन सब के साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, इन सब के साथ मिल करके हम लोगों ने समाधान करने। झारखंड बिहार की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखिए News by Scope अब JioTV पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से News by Scope ऐप।